हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं IFS से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर एंड राइट शेयर। बहुत से बच्चों को क्वेरी होती है कि सर बोनस शेयर राइट शेयर में फर्क क्या है, तो आज मैं आपको बहुत इजी वे में पहले फर्क बता देता हूँ कि बोनस शेयर एक्चुअली में क्या होता है और राइट शेयर एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो बोनस शेयर, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आप हो, ठीक है। अब आपके पास कोई कंपनी के 100 शेयर है, कितने है 100 शेयर है। अब उस कंपनी के एक शेयर का भाव कितना है 2000 रुपीज, यानी आपका इन्वेस्टमेंट कुछ समथिंग हुआ 2 लाख रुपीज का, ठीक है। तो आपने 2 लाख रुपए एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। अब मान लो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी का मतलब अच्छे खासे कैपिटल रिजर्व बन चुका है, अलग अलग रिजर्व बना के बैठी है, तो कंपनी सोचती है क्यों ना हम बोनस दे दें हमारे शेयर्स को, ठीक है। यानी कि कंपनी को ऐसा भी लगता है कि हमारी कंपनी का वैल्यूएशन कुछ ज्यादा है, ठीक है। तो कंपनी वैल्यूएशन को कम करने के लिए या तो फिर जो रिजर्व बढ़ जाते हैं उस रिजर्व को कम करने के लिए बोनस इश्यू करती है, और ये तभी किया जाता है जब कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा हो, तब किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आपके पास 100 शेयर्स 2000 रुपए का एक शेयर था, ठीक है। अब कंपनी ऐसा बोलती है कि हम बोनस देंगे हमारे जितने भी शेयर होल्डर हैं उन सबको, यानी 1:1 का बोनस दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 100 शेयर अभी है तो वो कितने हो जाएंगे, 200 शेयर्स हो जाएंगे, यानी कि 100 आपको बोनस में मिले, 100 आपके पास ऑलरेडी थे। बट आपको पता है जो प्राइस होगी ना उस शेयर की, वो कम हो जाएगी, यानी पहले वो शेयर 2000 का था, यहां पे अब कितना हो गया 1000 का, 1000 के 200 शेयर्स, मतलब आपका तो कैपिटल उतना ही रहा, 2 लाख का 2 लाख ही रहा, ठीक है, कैपिटल में बदलाव नहीं होगा। बट अगर मान लो अब तुम्हारे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपके पास 2 गुना शेयर्स आ चुके हैं। तो इसी टाइप को इसको बोलते हैं बोनस शेयर्स, मतलब एक्स्ट्रा शेयर्स देना। इसमें आपका कोई कैपिटल बढ़ नहीं रहा, आपका कैपिटल तो उतना का उतना ही है, बस क्या कर रहे हैं शेयर्स की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ शेयर्स लोगों के अंदर बांटे जा रहे हैं। बोलो क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, 2 लाख का 2 लाख ही रहा। बट पहले ही कहा कि अगर आपको बोनस मिलता है और अगर मान लो इसका 100 रुपए भी बढ़ाना तो आपको डबल फायदा होगा। अगर यहां 100 बढ़ता तो इतना फायदा नहीं होता, बट यहां 100 बढ़ेगा, 200 बढ़ेगा, 300 बढ़ेगा, तो आपके सबसे ज्यादा फायदा होता जाएगा। मान लो आगे चल के भी कंपनी वापस बोनस देती है तो आपका और फायदा होगा, मतलब बोनस से ना फायदा ही है इन शॉर्ट। नेक्स्ट बात करें राइट शेयर्स। राइट शेयर में क्या है, सेम एग्जांपल देता हूं, मान लो ये आप हो, ठीक है, आपके पास कोई कंपनी के 100 शेयर्स है। अब 100 शेयर्स है, 2000 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। अब कंपनी ऐसा सोचती है कि हमको और पैसा चाहिए, कंपनी के पास बहुत अच्छा आइडिया है बट पैसे की कमी है, कंपनी के पास डेवलपमेंट और एक्सपांशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट है बट पैसा नहीं है। तो कंपनी क्या सोचती है कि हम पैसा ले, बट आपको पता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोविजन के हिसाब से कंपनी सीधा बाहर वाले को नहीं पूछ सकती कि भाई पैसा चाहिए हमको दे दो, वो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछेगी कि भाई आपको क्या, आप इंटरेस्टेड हो हमारे कंपनी में पैसा और इन्वेस्ट करने के लिए। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब आप क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो हां हो, तो कंपनी पहले आपको पूछेगी, आपके जैसे जितने भी शेयर होल्डर होंगे उन सबको सबसे पहले पूछा जाएगा, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको वो शेयर्स दे देंगे। अब इसमें फायदा कहां है वो मैं बताता हूं। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसको पैसा चाहिए था तो उन्होंने राइट शेयर निकाला 25:1। अब आपके पास कितने शेयर है, 100, ठीक है। कंपनी ने क्या बोला, 25:1, यानी कि जिसके पास 25 शेयर्स है उसको कितने शेयर मिलेंगे, एक शेयर मिलेगा, 25 के सामने एक शेयर, तो आपको कितने मिलने चाहिए अगर देखने जाए तो, आप हकदार हो 4 राइट शेयर्स के, ठीक है। बट एक अच्छी चीज पता है, राइट शेयर मार्केट वैल्यू से कम में इश्यू किए जाते हैं। जैसे मान लो 2000 रुपए चल रहा था उसका प्राइस, ठीक है, तो आपको 2000 रुपए पे नहीं करने, आपको तो पे करने होंगे 1700 रुपए, यानी एक शेयर खरीदने के लिए आपको सिर्फ 1700 पे करने हैं। तो देखने जाए तो सीधा सीधा 300 का तो प्रॉफिट ही दिख रहा है, ठीक है, आप खरीद के बेच दो तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान लो आप बोलते हो कंपनी को कि नहीं भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो पता है आपको सीधा आपको पैसा मिल जाएगा 1200 रुपए। क्यों ऐसा, अगर मान लो आप खरीद के बेचते तो भी आपको 1200 मिलते, ठीक है, अगर हम ना बोलोगे ना तो भी आपको 1200 मिलेंगे। कैसे, तो 4 तो राइट शेयर हो गए और 300 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो 300 × 4 कितने मिलेंगे, 1200 रुपए। अगर आप परचेस नहीं करते हो तो, क्योंकि परचेस करने के लिए आपको पैसा तो चाहिए होगा, मतलब 1700 × 4 इतना पैसा पे करना पड़ेगा, बट अगर आप पे नहीं करोगे ना तो सीधा 1200 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये फायदा होता है राइट शेयर में, और राइट शेयर ले लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपने को बहुत सस्ते भाव में उस कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं। बोलो अब क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो बोनस शेयर के अंदर क्या होता है, आपका कैपिटल कुछ नहीं बढ़ रहा, यहां पे आपका कैपिटल बढ़ेगा, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें बढ़ेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं। क्लियर। अब चलो हम लोग देखते हैं इन दोनों के डिफरेंस।
चलो तो सबसे पहला है मीनिंग। बोनस शेयर जो होता है वो एक ऐसा शेयर है जिसको इश्यू किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को और उनका जो करंट होल्डिंग है, करंट नंबर ऑफ शेयर है, उसमें एडिशन होता है। एक और चीज याद रखना, यहां पे शेयर होल्डर को कोई भी तरह का कॉस्ट बियर नहीं करना है, कोई भी तरह का पैसा नहीं देना है। जबकि राइट शेयर की बात करें तो यहां पे ये एक ऐसा शेयर है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उनके प्रपोर्शन टू द करंट होल्डिंग। मैंने जैसे बताया 25 पे 1, तो उनके पास जितना करंट होल्डिंग है उसके प्रपोर्शन में ही राइट शेयर दिए जाते हैं। और जनरली राइट शेयर को इश्यू किया जाता है एट अ डिस्काउंट प्राइस। जैसे अभी बताया 2000 का शेयर था, डिस्काउंट प्राइस थी 300, मतलब कि 1700 रुपए में मिल रहा था, तो डिस्काउंट प्राइस पे इसको इश्यू किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें व्हेन गिवन, कब हम लोग बोनस शेयर और राइट शेयर को दे सकते हैं, कोई भी कंपनी कब दे सकती है। तो कोई भी कंपनी के पास अच्छा खासा जब प्रॉफिट होता है तब वो बोनस देते हैं और उन बोनस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक लिमिट में। गाइडिंग प्रिंसिपल यानी कंपनी के या जो कंपनीज एक्ट के अंदर जो प्रिंसिपल है उस लिमिट्स में बोनस शेयर दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं दिए जाते, उसकी एक लिमिट है। नेक्स्ट बात करें राइट शेयर में, तो जो पब्लिक कंपनी होती है वो 2 महीने प्रमोशन के 2 महीने बाद राइट शेयर इशू कर सकती है, या तो वो 1 ईयर ऑफ इनिशियल इश्यू, मतलब मान लो कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो प्राइमरी मार्केट में की थी, उसके 1 साल बाद। और ये जो शेयर्स है वो सारे किसको दिए जाते हैं, वो सारे शेयर्स दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, यानी हमारे यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ही पहले ऑफर किया जाता है। अगर वो लोग हमको दे देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करें टाइम लिमिट, तो एक बार मान लो कोई कंपनी बोनस शेयर इश्यू कर देती है तो उसके 12 महीने खत्म होने के बाद ही दूसरी बार वो बोनस शेयर इश्यू कर सकती है, यानी कि 1 साल का टाइम पीरियड होता है, बट कुछ कुछ कंपनी के केस में तो 2 साल का टाइम पीरियड भी होता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो राइट शेयर, तो राइट शेयर के अंदर भी कैसा होता है कि इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है इश्यू करने की, एक्सेप्ट एज शोन इन द अबव प्रोविजन, मतलब जो प्रोविजन होता है कंपनी में उसमें दिया है, तो बाकी कभी भी राइट शेयर इश्यू कर सकती है कोई भी कंपनी। बोलो क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो पॉइंट नंबर 4, प्राइस। शेयर होल्डर को कोई भी तरह की प्राइस पे नहीं करनी पड़ती बोनस शेयर के अंदर। अब राइट शेयर के अंदर तो क्या शेयर होल्डर को प्राइस पे करना पड़ता है? हाँ, पे करना पड़ता है, एक फिक्स प्राइस पे करना पड़ता है, बट ये प्राइस ना मार्केट वैल्यू से थोड़ा कम होता है, डिस्काउंटेड प्राइस होता है। नेक्स्ट बात करें अलॉटमेंट, तो यहाँ पे वही शेयर होल्डर मतलब खरीद सकते हैं, मतलब उनके बोनस शेयर जो रजिस्टर्ड नेम है, यानी जिनका कंपनी में नेम रजिस्टर्ड है उन लोगों को ही राइट शेयर बोनस शेयर जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट बात करें, जबकि राइट शेयर में तो ऐसा होता है कि अगर मान लो शेयर होल्डर ना बोलते हैं कि नहीं भाई हमको अभी इन्वेस्ट करना नहीं है, तो फिर उनको ऑफर किया जाता है दूसरी पब्लिक को। इसका मतलब समझाता हूं मैं। जैसे मान लो कंपनी है, उसको पैसा चाहिए, तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले पूछेगी, उनकी राइट है, इसलिए इसको राइट शेयर बोलते हैं। अगर मान लो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ना बोलते हैं कि नहीं हमको इन्वेस्ट नहीं करना है इस कंपनी में, तब जाके वो मार्केट में जाएंगे, मार्केट में दूसरी पब्लिक है उनको बुलाएंगे कि आओ और हमारे कंपनी के राइट शेयर में इशू करो, फिर वो राइट शेयर नहीं नॉर्मल शेयर ही कहा जाएगा। बट राइट शेयर क्यों है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जा रहा है ना, इसलिए इसको राइट शेयर कहा जाता है। बोलो क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो एग्रीगेट कैपिटल, मतलब बोनस शेयर के अंदर जो कंपनी का रिजर्व फंड होता है वो कन्वर्ट किया जाता है, और कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा रिजर्व नहीं रख सकती, इसलिए कंपनी क्या करती है लोगों को बोनस दे देती है। बट इसमें कंपनी का जो कंपनी या जो लोग है लोगों के कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मेक एनी चेंज इन द कंपनीज एग्रीगेट कैपिटल, कंपनी का या हम कहेंगे लोगों के कोई कैपिटल में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जबकि राइट शेयर में जो कंपनी होती है उसको एडिशनल कैपिटल चाहिए, इसलिए लोगों का एडिशनल कैपिटल बढ़ता है कंपनी के अंदर। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग, जो बोनस शेयर्स होते हैं ना वो एक ऐसे शेयर्स है जो प्रॉफिट में से दिए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको एक डिविडेंड की तरह कह सकते हैं। राइट शेयर की बात करें तो राइट शेयर जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, तो इन शॉर्ट बोनस शेयर जो है वो प्रॉफिट में से दिया जाता है, वन टाइप ऑफ डिविडेंड कह लो, और ये जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो हमारी जो बीकॉम सेम की बैच है जिसमें हम आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, टैक्सेशन, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और आईएफएस, तो इस तरह से 6 सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, वो भी सिर्फ 2399 में। और आपको पता है हमने सारे आईएमपी वीडियोस भी अपलोड कर दिए, तो आप यूट्यूब पे भी जाके चेक कर सकते हो, आप लोग हमारी एप्लीकेशन में भी जाके चेक कर सकते हो। और इस कोर्स की प्राइस जो है वो आप सीधा गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करो और वहां पे जाके सीधा पे कर देना। नेक्स्ट आगे बात करें तो पॉइंट नंबर 1, मार्केट प्राइस। आपको पता है जो बोनस शेयर होता है ना वो अलॉट किया जाता है, मतलब कि ओनली द नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज, इसमें सिर्फ और सिर्फ
नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, इसमें कैपिटल जो होता है वो बढ़ता नहीं है। बट जब राइट शेयर का अलॉटमेंट होता है तो इसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, बट साथ साथ में कैपिटल भी बढ़ता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। नेक्स्ट, विच कंपनी कैन इशू, कौन सी कंपनी इशू कर सकती है, तो बोनस शेयर वही कंपनी इशू कर सकती है जो प्रॉफिट मेकिंग है और प्रोग्रेसिव कंपनी है। जबकि राइट शेयर कौन इशू कर सकता है, तो वो कंपनी जिसको पैसों की जरूरत है, जिसको और ज्यादा कैपिटल चाहिए, जिसने ऑलरेडी अपना आईपीओ लॉन्च करके कैपिटल तो ले लिया है बट उसके अलावा और पैसा चाहिए, तो वो क्या करती है, राइट शेयर को इशू करती है। बोलो क्लियर हो गया। तो ये टॉपिक हमारा यहां पे फिनिश होता है और उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।